24 घंटे बिजली देती है, मुफ्त देती है। हरियाणा के स्कूलों को और कॉलेजों को वर्क क्लास बनाकर हर महिला को 1000 रुपये महीना को रोजगार मिले, स्कूलों का विकास जीतेंगे और कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि 1000 रुपया भी औरतों को दिया जाएगा। ये सभी मुद्दे हमारे हैं। हरियाणा का नशा खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है, गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। हरियाणा की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने वाले भैया को वोट दोगे? हाँ जरूर देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निशांत आनंद के समर्थन में जनसभा की। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए हरियाणा में भी इसी तर्ज पर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने गुरुग्राम के सदर बाजार में एक भव्य रोड शो आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पार्टी को अपना समर्थन दिया। रोड शो के दौरान डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि हरियाणा में या तो उनकी पार्टी की सरकार बनेगी या उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज, मैं हूं आपके साथ आदर्श। आज गुड़गांव के सदर बाजार में आम आदमी पार्टी ने एक भव्य रोड शो निकाला है और इसमें ये रोड शो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी इसमें शामिल हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार जब मतदान करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए विकासों को याद रखकर ही मतदान करें। यहाँ पे लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी इस बार आएगी? हाँ जी, जरूर आएगी। क्या कारण क्या है? विकास। क्या विकास चाह रहे हैं आप लोग उनसे? सड़कों का विकास, स्कूलों का विकास। सर, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी अपनी छाप छोड़ पाएगी? पूरी तरह छोड़ेगी जी, पहले भी छोड़ चुकी है, दिल्ली में तीसरी बार सरकार बन चुकी है, पंजाब में सरकार बन चुकी है, पूरी 92 सीट्स है, अब 93 हो गई है। अच्छा, हरियाणा में सरकार बनेगी? हरियाणा में हम बहुत बड़े, मतलब के बहुत ज्यादा सीटें, इतनी सीटें जीतेंगे। गुड़गांव में कौन जीतेगा? गुड़गांव में कौन जीतेगा? गुड़गांव में हम जीतेंगे और कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के 2 कैंडिडेट है, वो उनकी वोट कटेगी, उनको फायदा। मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे हमारे पास मेन मुद्दे है जो नेशनल लेवल पे भी है, सेहत का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अपना सभी और सहूलतें जो सड़क है, बिजली है, पानी है, पंजाब में और दिल्ली में 24 घंटे बिजली फ्री दी जा रही है, हरियाणा में भी देंगे, गुरुग्राम में भी देंगे, सभी जगह देंगे, नौकरियां जो 45,000 पंजाब में नौकरी दी गई है और बिल्कुल मेरिट पर दी गई, सब मिलेगी, सब कुछ वही कुछ रिप्लिका यहाँ और रेप्लिकेट होएगा यहाँ, और सभी सहूलतें यहाँ के लोगों को दी जाएगी, बसों में मुफ्त सहूलत लेडीज को दी जाएगी और 18 साल के ऊपर जरा 1000 रुपया भी औरतों को दिया जाएगा। ये सभी मुद्दे हमारे हैं। सर, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी यहाँ पे छाप छोड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा के अंदर गुंडा राज, भ्रष्टाचार का राज, अपराध का राज खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा का नशा खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, हर युवा को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। अरविंद केजरीवाल इस दफ़ा हरियाणा की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने वाले हैं।